बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंक्रीमेंट ऑपरेटर. एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर यूजेज अ सिंगल ऑपरेंड. सिंगल ऑपरेंड के साथ जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उनको हम यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं. और यूनरी ऑपरेटर में एक हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम ये है कि ये किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको वन वैल्यू उसकी इंक्रीज कर देता है बाय डिफॉल्ट. इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट वन इंक्रीज करवा सकते हैं. ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो टू प्लस साइन इसमें आते हैं. ये इसका सिंबल है प्लस प्लस. और ये किसी भी वेरिएबल के साथ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी वेरिएबल होगा तो उसके साथ अगर हम प्लस प्लस का साइन लगा देंगे इट मींस के वी आर अप्लाइंग द इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवर द ओवर एनी वेरिएबल और यू कैन से ओवर एनी ऑपरेंड. बाय डिफॉल्ट इसका इंक्रीमेंट वन का होता है. इससे ज़्यादा भी इंक्रीमेंट किया जा सकता है, कस्टमाइज भी किया जा सकता है. एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं. ये कॉन्स्टेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा और एक्सप्रेशंस पे भी अप्लाई नहीं होगा. अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स लाइक हम 10++, 11++ ऐसे नहीं लिख सकते. जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, हम इस तरह से राइट डाउन नहीं कर सकते और ना ही हम इसको एक्सप्रेशन पे अप्लाई कर सकते हैं. एक्सप्रेशन लाइक आपके पास ये एक्सप्रेशन है जब एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स आपके पास किसी और ऑपरेटर के थ्रू अटैच किए जाते हैं तो फिर हम उस पर भी ये अप्लाई नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं. और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ए प्लस बी और प्लस प्लस नहीं अप्लाई कर सकते हम क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है. सो ये थोड़ी इसकी लिमिटेशन है कि हमने अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करना है वी कैन अप्लाई इट ऑन द वेरिएबल बट वी कैन नॉट अप्लाई इट ऑन एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू और एनी एक्सप्रेशन. So, increment operator can be used in two forms. There are two forms for applying the increment operators, like that is prefix and postfix form. Prefix form and postfix form. अब prefix और postfix में सिर्फ difference ये है, काम ये दोनों function same है दोनों के. दोनों के function same है, it means दोनों ने increment ही करना है और increase करनी है value जो भी variable में है by one. लेकिन इसमें थोड़ा नोटेशन का फर्क हो जाता है. प्रीफिक्स फॉर्म में प्लस प्लस साइन पहले आता है वेरिएबल से, जबकि पोस्ट फिक्स में प्लस प्लस वेरिएबल के बाद आता है. प्रीफिक्स फॉर्म में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि ये आपके सामने दो प्लस प्लस के साइन है, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल. And in postfix notation or postfix form, the increment operator is written after the variable. अब लेकिन दोनों के काम क्या है कि इन दोनों ने इंक्रीज करनी है वैल्यू, इंक्रीमेंट लगाना है. इनकी वर्किंग में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो हम चेक करते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग में डिफरेंस आ जाता है. किसी में इंक्रीमेंट पहले हो जाता है, असाइनमेंट बाद में हो रही है, तो ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं. लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल बाय वन. इट हैज टू फॉर्म्स, प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्टफिक्स फॉर्म. इट कैन बी अप्लाइड ऑन वेरिएबल बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द एक्सप्रेशंस एंड कॉन्स्टेंट वैल्यूज. इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल एंड इन पोस्टफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल. दिस इज द टाइम टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट. अब हम मेजर डिफरेंस देखेंगे कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स अगर दो कैटेगरीज बनाई हैं तो इसमें क्या डिफरेंस कैसे आ जाते हैं. अगर तो हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन को इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल के साथ और उसको किसी एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर रहे, तो दोनों के लिए हमारे पास रिजल्ट सेम आएंगे. उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है दोनों में. आई एम रिपीटिंग, इफ देयर इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म बट इट इज इंडिपेंडेंट, देन देर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन. द रिजल्ट विल बी सेम फॉर बोथ. बट इफ वी आर यूजिंग द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन सम एक्सप्रेशन लाइक इट इज यूजिंग वी यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद सम अदर ऑपरेटर्स, देन वी हैव टू चेंज और वी हैव टू व्यू दैट देर आर
differences between the results. The result will be different for increment operators in the expressions. Like you can see here, a plus plus and plus plus a, both are independent. There is no expression, there is no dependency. So result will be same for both. यहाँ पे तो हमें कोई इशू नहीं है, चाहे हम इसको पोस्ट फिक्स करें चाहे प्रीफिक्स करें, देयर इज नो इशू. बट जब हम एक्सप्रेशन, इस टाइप की एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है और उसकी असाइनमेंट हो रही है, ठीक है, तब हमारे पास रिजल्ट डिफरेंट आएंगे. अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि दिस इज द प्रीफिक्स एंड दिस इज द पोस्ट फिक्स, और दोनों की असाइनमेंट हो रही है एक और वेरिएबल को. जब ये असाइनमेंट आती है, इसका मतलब है कि आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक और ऑपरेटर के साथ कंबाइन हो रहा है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये एक्सप्रेशन बना रहा है. हालांकि ये एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये अब जो एक टोटल आपके सामने सिनेरियो नजर आ रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ. इसको हम चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे डिफरेंट आएगा. This is the prefix notation, this is the postfix notation, and this is the assignment operator, this is another variable. The first scenario is that A assignment operator plus plus B, we are going to display the prefix demonstration, prefix increment demonstration. That is, there are two operators, increment and assignment, and it will work in the following order. Like first, there will be an increment by 1 in B. ये जो B है इसमें एक, इसकी वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेप ये होगा. और उसके बाद असाइनमेंट होगी, इट असाइन्स द वैल्यू ऑफ B टू A. उसके बाद जो भी वैल्यू अभी इसकी बन जाएगी वो A को असाइन कर दी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर B में 1 वैल्यू है ऑलरेडी, अगर B की वैल्यू 1 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की एग्जीक्यूशन कैसे होगी कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि बी की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज करेंगे. अब बी में क्या वैल्यू हो जाएगी, 2. दिस वैल्यू विल बी असाइन टू ए. नाउ द वैल्यू ऑफ ए विल बी 2. ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. इसी तरह से इसको अगर हम राइट डाउन करना चाहें तो ये आपके सामने सिनेरियो है, प्लस प्लस बी आ जाएगा, पहले ये फेज होगा, दूसरा हमारे पास असाइनमेंट का फेज होगा. और पोस्ट फिक्स में इसके ऑपोजिट होगा. पोस्ट फिक्स में क्या होगा कि पहले असाइनमेंट हो जाएगी और इंक्रीमेंट बाद में होगा. असाइनमेंट पहले हो जाएगी और इंक्रीमेंट बाद में होगा. लाइक हम अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें, बी में 1 वैल्यू है तो 1 असाइन हो जाएगी पहले ए को, और उसके बाद बी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है. तो ए को अब 1 वैल्यू असाइन हो रही है, तो ये डिफरेंस आ गया. आप देख सकते हैं कि बी प्लस 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 बी की अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो इनका सेम रिजल्ट आना था, लेकिन आप क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ये अटैच हो गए और एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो इस वजह से अब इनका रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है. कहीं पे इंक्रीमेंट पहले हो रहा है और असाइनमेंट बाद में हो रही है प्रीफिक्स में, और कहीं पे असाइनमेंट पहले हो रही है और इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है पोस्टफिक्स, ठीक है. ये इसका मेजर डिफरेंस है. हियर इज अ प्रोग्राम विच डेमोंस्ट्रेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स बोथ. यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी. ये एक सिंपल प्रोग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं. दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन एंड द टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ ईच वेरिएबल इज इंटीजर, सो वी कैन डिक्लेयर मोर देन 1 वेरिएबल एट द सेम लाइन. वी आर डिक्लेयरिंग 4 वेरिएबल्स of data type integer, same data type for all the variables. So we are separating the variables with commas and terminating the line with the semicolon. So this is the variable declaration line. Next is a, b, x and y. All variables are assigned value 0. Or you can say that all the variables are initialized by 0. If we are using more than one variable and we have to assign the same values to all the variables, then we can assign it in the same line. Then we can assign that same value in a single line to all the variables by using the assignment operators like this. A assignment B,
assignment x, assignment y. It means all these variables will be initialized by the value 0. So this is also a technique that you can assign a single value to all the variables or to multiple variables of the same data type. So this is the variable initialization phase, where you have initialized the variables with 0. Now all the variables have the value 0. This is the A++. It means this is the postfix notation for the variable. Increment operator is applied here, but in the postfix form. So A will be incremented by 1, and what will be value here? Here will be the value is A1. Now the value of A will be assigned to B. Ab ye value jo hai B ko assign ho jayegi. A mein increment hua, A ki value 0 thi, usme increment hua jab to 1 hogi. Ab ye value assign hogi B ko. Now B ki value bhi 1 hogi. ठीक है, A and B both are 1 here. आप देख सकते हैं A भी 1 है, B भी 1 है. इसकी आउटपुट अभी देखते हैं कैसे आती है. उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें आप, प्रीफिक्स हम x के लिए यूज कर रहे हैं. प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है. जब इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट हो गया. x में पहले क्या वैल्यू थी? 0. इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू हो गई 1. ठीक है, अब यही वैल्यू हम y को असाइन कर रहे हैं. 1 विल बी असाइन टू y. अब जी y में भी 1 वैल्यू होगी. सी आउट में हमने A, सबसे पहले A है, फिर एंड L है. इसका मतलब है नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा. फिर B हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि B का क्या रिजल्ट होगा, वो डिस्प्ले होगा. फिर X और Y, सब में 1, 1, 1 एंड 1 वैल्यू आ गई. ये हमने यहाँ पे लॉजिकली भी देखा कि सब में 1 वैल्यू कैसे आ जाती है. हियर इज अनदर एग्जाम्पल विच डेमोन्स्ट्रेट्स दैट हाउ इंक्रीमेंट ऑपरेटर विल बी इम्प्लीमेंटेड इफ इट इज यूजिंग इन द एक्सप्रेशन. आप देख सकते हैं कि हमने वही काम किया है. ए बी एक्स एंड वाई, उसको ऑलरेडी हम इनिशियलाइज डिक्लेयर कर चुके हैं. उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं. इनिशियलाइज करने के बाद हमने क्या किया है कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. ए प्लस प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर बी. इट मीन्स ए प्लस प्लस है, इट मीन्स दिस इज द पोस्ट फिक्स नोटेशन. और हमने देखा था जब पोस्ट फिक्स नोटेशन है तो पहले असाइनमेंट हो जाएगी और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होगा. ए में क्या वैल्यू है? 0. बी को क्या असाइन हो जाएगा? 0. और उसके बाद इसका इंक्रीमेंट होगा और ए में 1 हो जाएगा. ठीक है, अब ए में 1 हो जाएगा और बी में 0 है, क्योंकि असाइनमेंट पहले होती है, इंक्रीमेंट बाद में होगा पोस्ट फिक्स में. यहाँ पे हम देखते हैं वाई और एक्स अभी दोनों 0 है. जब हम यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट मीन्स पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा. इट मीन्स x में 1 वैल्यू आ जाएगी और वही वैल्यू असाइन होगी हमारे पास बाद में. असाइनमेंट होगी, इंक्रीमेंट 1 हो गया, अब 1 असाइन हो जाएगा y को. सो पहले इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद असाइनमेंट हुई. ये आपके पास प्रीफिक्स नोटेशन है, जो कि वर्किंग हम ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर चुके हैं. सबकी आउटपुट जब हमने ली तो देख लें आपके सामने A1 है, B0, X1, Y1. सेम विल बी फॉलोड फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेटर. डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी यही सब रूल्स यूज होंगे. बस इसमें ये है कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आपकी 1 वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. वैल्यू विल बी डिक्रीज बाय 1 एंड सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर विल नॉट बी यूज्ड विद द कांस्टेंट वैल्यूज. दे कैन नॉट बी यूज्ड विद द एक्सप्रेशंस एंड दे आल्सो हैव टू फॉर्म्स लाइक प्रीफिक्स फॉर्म्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म्स. वर्किंग विल बी द सेम लाइक द इंक्रीमेंट ऑपरेटर. सो यू हैव टू रीड आउट ऑल द प्रोग्राम्स एंड यू हैव टू रीड द all the concepts here and inshallah you will get it, because decrement operators are similar to the increment operator, but here the value will be decreased by 1.